अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम एवरीबॉडी टू गर्ल्स रिपब्लिक. मैं हूं अनुषे. कैसे हैं आप लोग? यार म्यूजिक बहुत टाइम हो गया कि मैं शो पर आई हूं, बैठी हूं, आप लोगों से बात कर रही हूं. तो आज थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, मौका भी मिल रहा है कि उन तमाम लोगों से बात करूं जिनसे एक अरसे में बात नहीं हुई है. और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है क्योंकि मैंने ऐसे शोज एक अरसे में खुद होस्ट नहीं किए हैं. पर मज़ा आएगा, अब बात करना है, आप ही लोगों से बात करना है, शो में थोड़ी सी रौनक लगानी है, चार चांद लगाने हैं, आपकी हॉबीज़, आपके ड्रीम्स, आपके जो ख्वाब हैं. यार म्यूजिक की स्पेशल बात यह है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें पाकिस्तान के नौजवान जो नस्ल है उनसे बात करने का मौका मिलता है. तो मेरे लिए तो एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है क्योंकि मैं हमेशा इस बात को बिल्कुल जानती हूँ, नज़र में रखती हूँ कि हमारे जो लड़के लड़कियाँ हैं वही कल इस मुल्क को बदलेंगे, इस मुल्क को बेहतर करेंगे. तो आप ही में से वो लोग हैं जो हमें भी कॉल करते हैं, हमें अपने ख्वाबों के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में बताते हैं. और हम वो लोग हैं जो अब आप लोगों से भी इंस्पिरेशन ढूंढते हैं क्योंकि हम भी अब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं. लेकिन आप ही लोग किसी भी मुल्क की जो एक नौजवान, एक जो यंग नस्ल होती है वो आई थिंक बड़ों को इंस्पायर करते रहती है. तो आज आपने मुझे इंस्पायर करना है, ये शो मैं होस्ट कर रही हूँ, आपको पता है कि कैसे चलता है. कॉल्स करनी है आपने, एक टॉपिक है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, उस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन होगी, आपका जो नुक्ता नजरिया है या जो भी आप उस पर डिस्कस करना चाहें वो यकीनन हमारे साथ कर सकते हैं. यू कैन ऑलवेज कॉल अस इन. फोन नंबर्स हमारे स्क्रीन पर आपको आगे नजर आ रहे होंगे होपफुली. मुझे फोन नंबर्स बाय हार्ट याद नहीं है लेकिन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कीजिए. टॉपिक्स तो हमारे पास काफी कुछ है मुझे दिए हुए. मैं जो पर्सनली आई थिंक जिस पर बात करना चाहती हूँ वो ये भी हो सकता है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल है तो वो गोल क्या है, और अगर आप उसको अचीव करने के लिए कोई प्लान बना रहे हैं तो वो प्लान क्या है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि व्हाट इज योर गोल एंड व्हाट आर योर प्लान्स टू अचीव इट. हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई गोल्स होते हैं, और जब आप थोड़े से और बड़े हो जाएंगे और मेरी उम्र के हो जाएंगे तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट टू हैव अ गोल इन लाइफ. कभी भी देर नहीं भी होती, आप अपने आप को अपने आप से बात करें, अपने ख्वाब को पहचाने. मैं तो अपनी वालदा से भी कहती हूँ कि अगर आज आपको भी कोई शौक है किसी चीज़ का, अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहती हैं, पेंटिंग करना चाहती हैं, किताब लिखना चाहती हैं, म्यूजिक सीखना चाहती हैं, तो कभी भी देर नहीं हुई. और बहुत सारे गोल्स जो हैं, खैर वो तो हमारे पढ़ाई लिखाई से, हमारे करियर से रिलेटेड होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे गोल्स होते हैं कि इंसान ने कुछ और करना है. वो किसी भी उम्र में ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं. मेरा एक गोल है अब कि मैं चाहूँगी कि मैं मरने से पहले तो एटलीस्ट दुनिया के जितने मुल्क हैं वो एक दफ़ा तो ज़रूर देखूँ, दुनिया घूमूँ और जितना घूम सकूँ घूमूँ. तो ये तो मेरा गोल है. अब मुझे अचीव किस तरीके से करना है, मैंने काम करना है, दिन रात काम करना है, दुनिया देखने के लिए पैसे चाहिए होंगे, वीज़ास चाहिए होंगी, पैसा बहुत खर्च होगा, तो मेहनत करनी है. जब आप यहाँ पे होते हैं पाकिस्तान में, मैं दिन रात काम कर रही होती हूँ यही सोच के कि ठीक है जब मुझे इसका चेक मिलेगा, यहाँ से थोड़े पैसे आएंगे तो मैं शायद यहाँ छुट्टी लूँगी या दुनिया के इस कोने में जाऊँगी, अब ये जगह देखूँगी. और गोल होना भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो फिर एक इंसान को इंस्पायर्ड रखता है, फिर आपका दिल करता है कि आप दिन रात मेहनत करें, काम करें, पढ़ें, स्कूल जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, डिग्री लें, वगैरह वगैरह वगैरह. वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि फिर आपको पता होता है कि ठीक है मैंने ये गोल अचीव करना है. एक कॉल है हमारे पास, पहली कॉल आ गई है, और किसी कॉल है, इकरा की कॉल है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इकरा? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ. अच्छा इकरा मुझे ये बताओ कि क्या गोल है आपका जिंदगी का सबसे बड़ा गोल? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल तो यही है कि मैं भी चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूं, या कुछ ना कुछ तो बनूं. जी कुछ ना कुछ बन जाओगी तुम इंशाल्लाह. लेकिन सबसे पहले चॉइस ये है कि डॉक्टर बनो. जी जी. अच्छा किस चीज का, आंखों की, नाक की, कान की, क्या डॉक्टर या जनरली जो डॉक्टर होते हैं? जी जी. हाँ अच्छा मुझे ये बताओ कि डॉक्टर क्यों, तुम्हारी मामा का ख्वाब है, अब्बू का ख्वाब है, खुद? नहीं नहीं, अम्मी का ख्वाब था. अम्मी का ख्वाब है कि तुम डॉक्टर बनो, तो तुम्हें अपनी अम्मा के लिए बनना है. लेकिन जब तुम खुद इन किताबों के साथ बैठती हो तो तुम्हें मजा आता है, लगता है तुम्हें? मुझे शुरू से ही जरा बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था. हाँ सही है. ओ वेरी गुड, तो इसका मतलब है कि तुम अच्छा भी करती हो. जी माशाल्लाह अच्छे आते हैं. ओ जबरदस्त जबरदस्त. तो जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहोगी, क्या एडवाइस देना चाहोगी, कोई टिप है तुम्हारे पास? टिप तो यही होगी कि दिल लगाकर पढ़े और फुल कॉन्सेंट्रेट स्टडी पर हो तो ज्यादा अच्छा होगा. ठीक है. और तुम जहाँ पढ़ रही हो तुम वहाँ से सेटिस्फाइड हो? तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान में अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो हमारे पास अच्छी जगहें हैं जहाँ पे हम जाके डॉक्टर बन सकते हैं? जी जगहें तो अच्छी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ
मीन्स कि कुछ अगर कुछ ठीक हो रहा है कुछ गलत भी होता है कुछ लोगों के साथ. बिल्कुल बिल्कुल हाँ ये भी है, आपकी एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा काउंट करती हैं. इकरा मेरी तरफ से तो तुम्हारे लिए बहुत दुआएं, और मुझे लगता है कि तुम अच्छा पढ़ रही हो, तुम अपनी वालदा का ख्वाब जो है वो पूरा करने जा रही हो, तो तुम्हारे लिए तो बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया. गोल्स आपके डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा मुझे ये लगता है कि डॉक्टर बनना या टीचर बनना तो बहुत लोगों का ख्वाब है, लेकिन अगर किसी का हटके कोई गोल है अगर कि मैंने पहाड़ से छलांग लगानी है या मैंने रिक्शे में दुनिया देखनी है या मैंने पता नहीं कोई अजीब और गरीब काम करना है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए. एक गाने पे हमने जाना है फिर उससे सीधा ब्रेक पे जाएंगे. कौन सा गाना है पता है? अच्छा मुझे नहीं पता, देख लेते हैं कौन सा गाना है, फिर ब्रेक पे जाते हैं. ब्रेक से जैसे वापस आते हैं तो एक बार फिर बता दूं, गर्ल्स रिपब्लिक में आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके गोल्स, क्या है आपके गोल्स और किस तरीके से आप उन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, लेट्स गो ऑन टू अ सॉन्ग. एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं गर्ल्स रिपब्लिक, मैं अनुषा. जैसे कि आप सब जानते हैं आज का हमने आपको हमारा जो टॉपिक है वो बता दिया है कि आपकी जिंदगी में गोल्स क्या हैं, और अगर आप इस गोल को अचीव करना चाहते हैं तो इस अचीवमेंट के लिए आप इस वक्त क्या कर रहे हैं. हमारे जितने कॉलर्स हैं व्यूवर्स हैं वो तो इस वक्त पढ़ रहे होंगे, स्कूल्स में होंगे, कॉलेजेस में होंगे, यूनिवर्सिटीज में होंगे. उसके बाद भी जिंदगी में बहुत सारे गोल्स होते हैं. हमारा पहला गोल तो यही होता है कि हम अच्छी जगह एक तालीम हासिल करें, हम डॉक्टर्स बन जाएं, हम लॉयर्स बन जाएं, हम बैंकर्स बन जाएं, हम फाइनेंस सीख लें. लेकिन उसके बाद भी जब आप उन गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो एक टाइम आता है जहाँ पे आपके गोल्स थोड़े से बदल जाते हैं. आपने ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ सीखनी होती है जो आपने कभी नहीं सीखा, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो किताब लिखना हो, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, चाहे वो स्कूबा डाइविंग हो, ऐसी बहुत चीज़ें हैं. और अब पाकिस्तान में भी ये एक बढ़ता हुआ रुझान है, मुझे तो ये देखते हुए बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अब लोग अपने हॉबीज़ को भी अपने गोल्स बना रहे हैं और पाकिस्तान के लिए भी कुछ करना चाहते हैं और अपने माशरे के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ करना चाहते हैं. किसी भी सेक्टर में अगर हम बात करें तो बाज़ुकात लोग दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो NGOs में काम करते हैं, कोई कोई लोग जानवरों की मदद करना चाहते हैं, तो अब एनिमल्स के लिए भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, पानी बचाने के लिए कोई काम करना चाह रहा है. तो गोल्स कुछ भी हो सकते हैं. तो मुझे आपने अब ये करना है कि अपने एजुकेशनल गोल्स के बारे में तो बताना ही बताना है, और ज़िंदगी में अगर कोई एक और ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं जो अलग से हर इंसान के अपने अंदर एक चीज़ होती है, जैसे कि मैंने कहा मुझे दुनिया देखने का बहुत शौक है, मुझे जानवरों का भी बहुत शौक है, तो मैं हमेशा मेरी नीयत यही होती है कि मैं इन सेक्टर्स में जो है थोड़ा सा काम करूं और बाहर से भी लोगों को दावत दूं कि वो पाकिस्तान आए और यहाँ पे भी घूमे फिरें और इस मुल्क को भी जो है इंजॉय करें. ठीक, तो एक जी तो एक बार फिर आपको बता देते हैं कि आप हमें कॉल कीजिए, मुझे बताइए कि आपको अपने गोल्स के हवाले से क्या कहना चाहते हैं. और यू नो ज़रूरी है कि हर इंसान के पास गोल हो या ना हो. कॉल है हमारे पास, गोल हो एक्चुअली कॉल है हमारे पास, किसी कॉल है मुकद्दस, अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? हेलो हेलो, ठीक आप? बस बिल्कुल ठीक. टीवी का वॉल्यूम अगर थोड़ा सा कम कर देंगे प्लीज तो ज्यादा आसानी हो जाएगी हम सब के लिए. अच्छा ठीक है, डन. क्या गोल है आपका जिंदगी का गोल? हाँ हेलो, टेलीविजन का वॉल्यूम प्लीज. हाँ जी बिल्कुल बताइए. टीवी का वॉल्यूम कम हो गया पहली बात? जी हो गया. डन, अब मुझे बताएं कि कोई गोल है जिंदगी में? नहीं नहीं, ओ नो, अनफॉर्चुनेटली ये कॉल से हम कॉलर से हम सही से बात नहीं कर सकेंगे. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो मुझे भी बड़ा मजा आता है कि मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दे और मैं खुद देखूं भी कि मेरी कॉल कहाँ जा रही है, लेकिन उस वक्त वो लाइव ट्रांसमिशन में थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन का बायस बन जाती है, तो प्लीज़ उसको अगर थोड़ा सा नज़र में रख लें और अपने टेलीविजन वॉल्यूम्स को थोड़ा सा कम रखिए एंड फिर हमसे कॉल कीजिए और बात कीजिए और बताइए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल है. बाज़ुकात लड़कों के बड़े इंटरेस्टिंग गोल्स होते हैं, लड़कियाँ तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स बनना चाहती हैं, लेकिन मैं कुछ लड़कों को जानती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की सबसे तेज़ गाड़ी बनाई है जो सिर्फ सूरज की किरणों से ही चलती है, मतलब कि बैटरी जो है सोलर पावर्ड है और उसमें पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें भी हो रही थी. उनका गोल था कि ये गाड़ी जो है ये मलेशिया ले जाएँ और दुनिया में इंट्रोड्यूस कराएँ. बाज़ुकात कुछ ऐसे भी लड़के हैं, कुछ यूनिवर्सिटी से ज़ाबित से थे, कहाँ से थे, जो एक ऐसी गाड़ी बना रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी पर चलती है. तो अगर ऐसी चीज़ अगर दुनिया में आ गई और हमें तेल की ज़रूरत नहीं हुई तो वैसे ही दुनिया में जितने मसले मसाइल हैं मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि तेल के ऊपर ही पूरी दुनिया लड़ रही है. ठीक है, तो ये भी ज़बरदस्त से गोल्स होते हैं, अजीबो गरीब से गोल्स होते हैं. तो अगर कोई ऐसी भी हॉबी है आप में जो अनयूजुअल हो
तो वो भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है. और एक अपना एक सीरियस गोल वो भी होना चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूँ, प्राइम मिनिस्टर बनूँ, ठीक है. तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं. इस वक्त देखते हैं अगर हमारे पास एक और कॉल है या नहीं है. एक और कॉल है हमारे पास, ठीक है. वेल वी जस्ट गोना टेक अ कॉल इन एग्जैक्टली टू मिनट्स. गोल्स के हवाले से, लाइक आई कीप सेइंग, हम आपकी जिंदगी के गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं. और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि गोल्स होना भी बहुत ज़रूरी है. तो अगर किसी के पास गोल नहीं है, अगर किसी के पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, तो कभी भी देर नहीं हुई, प्लान बनाएं, कुछ फ्यूचर के बारे में कोई ऐसी चीज़ सेट करें, कोई एम रखें. और बड़ा बड़ा मज़ा आता है जब ये गोल्स जो है हमारी अचीव होती होती हैं. तीन बहादुर एक बहुत ज़बरदस्ती चीज़ है. इसके बारे में आपने यकीनन सुना होगा. ऑनलाइन सोशल मीडिया पर तो मैं इसके बहुत ज़्यादा जो प्रमोशंस हैं वो देख भी रही हूँ. एक ज़बरदस्ती एक एनिमेटेड फिल्म है जो पाकिस्तान में ही बनी है, ARY ने ही बनाई है. तो हमें तो पहले तो फ़ख्र होना चाहिए क्योंकि हमारे मुल्क में ये फिल्म बनाई गई है. और हमारे जो लोग एनिमेशन करते हैं, कहा यह जाता है कि दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोगों में से पाकिस्तानी लोग जो हैं वो एनिमेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं. तो ये पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड फुल लेंथ सुपर हीरोज की जो एक फिल्म होगी. आजकल सुपर हीरोज की कितनी फिल्में लॉन्च हो रही हैं जो हम देखते हैं, और हमें इतना मज़ा आता है, सिनेमा हॉल्स भरी हुई होती हैं. तो हमारा ये सिर्फ और सिर्फ फ़ख्र की बात नहीं है, हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम इस फिल्म को प्रमोट करें, तीन बहादुर उसको जाके देखें. और ये पूरी फिल्म जो है पाकिस्तान में प्रोड्यूस की गई है, और एक नया स्टैंडर्ड है जो ये एनिमेटेड फिल्म में जो है ये सेट करेगा. और बाकी लोग भी इसको देखेंगे, इसको एंजॉय करेंगे. इसमें एक कहानी सी है, एक छोटा सा शहर है जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है रोशन बस्ती. और उसमें कुछ तीन कैरेक्टर्स हैं मज़े के, आमना है, सादी हैं और कामिल हैं. और वो अपने माशरे को किस तरीके से बचाते हैं और बेहतर करते हैं. तो इनकी ज़बरदस्ती कहानी है, आप लोगों ने यकीनन देखना है. इनके कुछ सुपर पावर्स भी हैं. आमना जो है वो बहुत, उसको स्पीड की पावर है, यहाँ से वहाँ बहुत जल्दी हो सकती है. कामिल जो है उनको दूर दूर से आवाज़ें सुनाई देती हैं दुनिया के किसी भी कोने से. और सादी जो है वो बेसिकली एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है. कॉग्निटिव स्किल्स यानी कि इंटेलिजेंस और मैथमेटिकल स्किल्स उसके बड़े ज़बरदस्त हैं. तो वो थोड़ा सा पढ़ाकू किस्म का भी होगा बेशक, लेकिन ये देखने वाली चीज़ है. और 22 मई 2015 सिनेमाज में पूरे पाकिस्तान में आपको ये फिल्म नजर आएगी. तो बिल्कुल हमारा काम है कि हम इसको जाके प्रमोट करें, इसे एंजॉय करें और अपने बच्चों को, अपने फैमिलीज को एक साथ मिलके ले जाएं. एक प्रोमो भी हमारे पास तीन बहादुर का, इसके बारे में जितनी बात की जाए कम है. सिनेमाज की हम बातें करते रहते थे 3-4 साल पहले तक, अब वो दिन आ गए हैं जहाँ पे सिनेमाज के बारे में कम बात होती है क्योंकि एक इंडस्ट्री शुरू हो गई है. तो प्रोमो देख लेते हैं इसका, बहुत ज़बरदस्त सा एक प्रोमो है. और उसके बाद वापस आते हैं और फिर आपसे बात करते हैं. एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं एरा म्यूजिक, गर्ल्स रिपब्लिक. मैं हूं अनुषे. आज जो है मैं ये शो होस्ट कर रही हूँ, आपकी गोल्स के हवाले से बात हो रही है. मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक टीनेजर की, एक यंग इंसान की गोल्स जो होती हैं वो ज़िंदगी में उस वक्त क्या होती हैं, और हम उस गोल्स को, उन गोल्स को पूरा करने के लिए कितना काम कर रहे हैं. देखो भाई, गोल्स तो सबके हैं, सारी चीज़ें दुनिया में करनी है. लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास शायद काम नहीं होता या टाइम नहीं होता. एक्चुअली काम तो बड़ा होता है करने के लिए, लेकिन क्योंकि हम ऑफिस ऑफिस नहीं जा रहे होते, हम दूसरी चीज़ों में पता नहीं मसरूफ़ होते हैं. तो हमें पता होता है कि हमने करना है, लेकिन हम इस पर कितना टाइम गुजारते हैं, इसके बारे में कितना सोचते हैं कि भाई चलो इसे मेहनत करें, इसके लिए टाइम निकालें. और आपको क्या लगता है कि मम्मी को और डैडी को भी आपको कितना सपोर्ट करना चाहिए अगर आप कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं? और अगर कोई ऐसा गोल है जो आज आपके दिमाग में है तो आप इसके बारे में कितना सोच रहे हो? और अगर इसको पूरा करने से अगर कोई झिझक है या अगर आपके अंदर कोई डर है तो वो क्यों है, वो भी डिस्कस कर सकते हैं. बहुत बड़ी बड़ी चीज़ होती है. मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम करने थे लेकिन मुझे हमेशा डर लगता था और मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था. मुझे लगता था कि मैं शायद कभी कुछ नहीं कर सकूँगी, और स्कूल में भी एक एवरेज स्टूडेंट थी. लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत एवरेज होने से, बहुत अच्छा स्टूडेंट होने से, बहुत नहीं अच्छा स्टूडेंट होने से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. ज़रूरी ये बात है कि आपको किसी चीज़ का पैशन हो. तो पैशन के हवाले से अगर बात करें तो कोई अगर ऐसी चीज़ जो आप 24 घंटे करते हैं या दिन में एटलीस्ट 1 से 2 घंटे इस चीज़ के साथ गुजारते हैं, तो फिर शायद ये आपका गोल भी हो सकता है कि आपने इसमें कुछ करना है या अपनी ज़िंदगी में इसी के साथ कोई चीज़ बड़ी अचीव करनी है. तो उसके हवाले से यकीनन मुझे कॉल कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए, मुझे बताइए कि आपकी ज़िंदगी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और क्यों ये प्लान्स आपके लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं. टाइम का कोई लिमिट नहीं होता. हमारे माशरे में एक और बड़ा मसला ये है कि लड़कियों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी की जाती है ना,
कि अगर तुम्हारा ये गोल है, नहीं नहीं तुम तो ये नहीं कर सकती, अच्छा मैंने ये करना है, तो फिर लड़कियों के साथ और भी मसला हो जाता है कि नहीं भाई नहीं मतलब यहाँ इजाज़त नहीं मिल रही, हम ये काम तो नहीं कर सकते. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यकीनन होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए. और किस तरीके से अम्मी अबू को कन्विंस किया जाए, मेरे ख्याल से तो ऐसी बहुत लड़कियाँ हैं जो जानती हैं कि बेशक अबू भी थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, अम्मी भी होती हैं, लेकिन किस तरीके से उनको पटाया जा सकता है और किस तरीके से उनसे बात की जा सकती है कि आप अपनी भी मनवा लें और उनका दिल भी ना दुखाएं. एक कॉल आ गई हमारे पास, एक कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? सना जी. सना क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र. सना तो क्या गोल है तुम्हारा अपनी जिंदगी में, सोचा है कभी? कोई गोल है, कोई कोई प्लान है, कुछ अचीव करना है अपनी जिंदगी में? हाँ हाँ ऑफ कोर्स है, मुझे शौक बताओ सबसे ज्यादा ये है कि मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है. क्या करना है? सिंगिंग का. सिंगिंग का बहुत शौक है, जबरदस्त. तो कुछ गा के भी सुना सकती हो अगर चाहो तो, यहीं पे ऑडिशन हो जाती है. और ARY वाले तो बड़े जबरदस्त हैं, वो बुला भी लेते हैं फौरन से पहले अगले दिन. अच्छा नहीं इससे आपको मैंने ये फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल किए. अच्छा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. तो मुझे बताओ सिंगिंग का अगर तुम्हें इतना शौक है तो तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं? कहते हैं कि सिंगिंग कर लो? ऑफकोर्स क्यों नहीं वो कहते हैं, लेकिन मैंने कभी कभी किसी को अपनी आवाज सुनाई नहीं. अगर अपनी अपनी मम को सुनाती हूँ उनके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं बेस्ट गा सकती हूँ, औरों को मेरी आवाज पसंद आई है ना. बिल्कुल जबरदस्त. अच्छा मुझे बताओ कि फिर अगर तुमने अपना ये ख्वाब जीना है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सिंगर बनना है इंशाल्लाह, तो अगला कदम क्या होगा? अभी क्या करोगी तुम? वीडियो निकालोगी या किसी शो में हिस्सा लोगी, क्या करोगी? अब वो तो मुझ पे, अब वो तो मैं डिपेंड नहीं कर सकती ना. अगर कोई हाँ मुझे बताओ, मुझे हॉस्टिंग. चले तुम्हारी एक ऑडिशन तुम यही करवा रहे हैं, तुम्हें थोड़ा सा गा के हमें अभी भी सुनाना पड़ेगा कुछ. अभी भी सुना देती हूँ. हाँ ना सुनाओ, चलो डन. अच्छा ओके. हम तुझे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जीने ही सकते तुम्हारे सिवा. हम तुझे प्यार कितना. जबरदस्त जबरदस्त, मुझे तो ये बात जान के ज्यादा खुशी हो रही है कि अच्छा तो गा रही वेरी नाइस. आपकी आवाज बहुत माशाल्लाह जबरदस्त है, खूबसूरत है, तो आपने करना जरूरी है. चले अब अपनी एक तस्वीर भी भेजना, आपको कल बुला रहे हैं शो पे. ठीक है डन 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 डन. थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, बहुत दुआएं आपके लिए. गुड लक गुड लक. देखे ये एक अच्छा सा गोल है, मजेदार सा गोल है, कि साथ में मैंने गाना भी गाना है, मुझे गाना गाने का बहुत शौक भी है, अपने ख्वाब को भी पूरा करना है, और ऑडिशन भी उन्होंने हमारे यहाँ पे दे दिया है. अच्छी चीज है. मुझे ये बात जान के बड़ी खुशी हुई है कि एक यंग सी लड़की है जो इतने पुराने और इतने हसीन और इतने अच्छे गाने गा रही है. मैंने सोचा अभी यहाँ से कोई हमारे आज नए जमाने के जो गाने हैं उनमें से कुछ गा के सुना देंगी, लेकिन ये भी एक पहचान होती है एक अच्छे सिंगर की, जो अपने म्यूजिक को बहुत सीरियसली सुनते भी हैं और इससे बहुत कुछ सीखते भी हैं. तो बस बस यही दुआएं आपके लिए कि आपका गोल जो है यकीनन जरूर कंप्लीट हो. और अब तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चैनल्स भी हैं, अब तो फिल्में भी बन रही हैं. अगर कोई लड़की या लड़का गाना गाना चाहता है या चाहती है तो वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. एक और ब्रेक पे हमने जाना है, लेकिन जहाँ तक कि मुझे पता चल गया है अब इस शो में हम सॉन्ग पे जाते हैं फिर ब्रेक पे जाते हैं. तो पहले एक सॉन्ग देखेंगे, फिर एक ब्रेक पे जाएंगे और फिर वापस आएंगे और आपके कॉल्स लेंगे. कीप वॉचिंग, सी यू आफ्टर दिस ब्रेक. एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं गर्ल्स रिपब्लिक, मैं हूं अनुषे. एक और बड़ी अमेजिंग सी खबर हमने आपके आगे जो है इस वक्त अनाउंस करनी है. अनाउंस तो पहले भी हो चुका है, आप सबको पता है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर आप ARY के सहूलत बाजार को विजिट करेंगे एट्रियम मॉल पे, तो आपको कुछ 100% तक आपके चांसेस हैं कि आप वैल्यू बैक ऑन शॉपिंग बिल्कुल जीत सकें. और वो आपको बस उसका उसकी जो एक शक्ल है वो बदल जाएगी. जितना आप पैसा खर्च करेंगे आपके चांसेस उतना ही बढ़ जाएंगे कि आप तकरीबन जितना पैसा आपने खर्च किया है उतना ही जीत लें, लेकिन डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी की शक्ल में. तो एक जबरदस्त सा एक कैंपेन यहाँ पे लगाया हुआ है ARY सहूलत बाजार एट्रियम मॉल, कराची के रहने वाले सब जानते हैं. और डायमंड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी तो आपको मिल ही सकती है और आप मिलेगी भी इंशाल्लाह, लेकिन इसके अलावा
हमारा जो जबरदस्त सा शो है जीतो पाकिस्तान, जिसकी एंट्री पासेस के लिए लोग मर रहे होते हैं, मैं कहीं दूर दराज में भी घूम रही होती हूँ, सलाम अनुशे क्या हाल है जी, जी वो जीतो पाकिस्तान के पासेस होंगे तो ये पासेस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं और आपके जीतने के चांसेस भी काफी बढ़ सकते हैं। तो करना आपने ये एक चक्कर लगाना है एटीएम मॉल, ARY सहूलत बाजार, मिस्टर वैल्यू बैक मनी बनाए, 10,000 में 20,000 तक की खरीदारी, यानी कि 10,000 रुपए खर्च किए लेकिन जीतने के इतने ज्यादा मौके हैं कि आप 20,000 रुपए तक का सामान, डबल द अमाउंट जितना आपने स्पेंड किया है उसका डबल आप जीत सकते हैं। डिजाइनर के लॉन के सूट्स हैं, कॉस्मेटिक्स है, ग्रोसरीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल फोन्स हैं, सब मिलेगा सहूलत पे, ठीक है, और सहूलत से तो खर्च करना है और उसके साथ साथ बचत भी ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी और जीतो पाकिस्तान में शामिल होने का एक मौका भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो बस बिल्कुल आइए शामिल हो जाइए, एक अलग ही दुनिया है एट्रियम मॉल पे सदर में कराची में, जैसे कि आप सब जानते हैं ARY सहूलत बाजार, तो इसके हवाले से बात करनी है। और मेरे आज का गोल तो यही है कि मैं सहूलत बाजार चले जाऊं। सैटरडे संडे को हम वहां पे लाइव भी मौजूद होंगे, वहां से लाइव आपको दिखाएंगे भी कि वहां पे क्या चहल पहल और एक्टिविटीज हो रही हैं, और वीकेंड से दिन थोड़ा और भी ज्यादा मजा आता है। अब सैटरडे संडे इज राइट अराउंड द कॉर्नर, तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि जाके चेकआउट जो है वो जरूर करना है। एक बार फिर अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, गोल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, और मैं भी ये बात एक बार फिर करना चाहूंगी कि गोल्स की कोई उम्र नहीं होती, और बेशक आप लोग तो नौजवान हैं लेकिन अगर अपनी वालदा को या अपने वालिद साहब को कभी देखते हैं और देखते हैं कि उनका कोई ख्वाब है अगर वो अधूरा रह गया है, या उन्हें किसी चीज़ का शौक था लेकिन उन्होंने शायद आपकी वजह से वो कुर्बानियाँ दी और टाइम नहीं था उनके पास वो शौक पूरा करने का, तो अगर हम बच्चे ही मिलके अगर उनके लिए उनकी वो हॉबी पूरी करें, अगर अब्बू को जिंदगी में एक दफ़ा उमरा पे जाना है तो भेज दें, या अगर उनको टर्की घूमना है तो बच्चे मिलकर टिकट ले लें, लेकिन उनके जो ऐसे गोल्स हैं उनको भी पूरा करना बच्चों का भी फर्ज होता है। एक और कॉल है हमारे पास, जल्दी से एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? मैं वर्दा बात कर रही हूँ, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र, आप बताएं वर्दा क्या हाल है? जी मैं ठीक जी। मैडम अब मुझे ये बताएं कि क्या गोल है जिंदगी का सबसे बड़ा प्लान? मेरा ये है कि मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। लॉयर, जबरदस्त, तो ये तो नया है। लॉयर बनने का कैसे सोचा आपने? घर में कोई है लॉयर? नहीं, बड़ा भाई अभी कर रहा है ना LLB, तो इसलिए। अच्छा, LLB कर रहा है, तो आपने वकील बनना है, और किसके लिए लड़ना है? औरतों के लिए, बच्चों के लिए, सिविल राइट्स के लिए, प्रॉपर्टी पे? अलग अलग किस्म के लॉयर्स होते हैं ना? सबके लिए। सबके लिए जस्टिस, जबरदस्त, जस्टिस बस होनी चाहिए। आपको लगता है कि मैंने सबके हुकूक के लिए लड़ना है, सब चीजों के लिए? तो अब कौन सी क्लास में आप? मैं 10th में। 10th में, तो अब इसके बाद तो फिर शुरू हो जाएगी पढ़ाई जी वकील बनने के लिए? इसके बाद तो फिर LLB शुरू हो जाएगी 10-11 के बाद, FSC के बाद? हाँ, जो इंटर के बाद। जबरदस्त, तो हमारी तरफ से तो आपको बहुत सारा लक है। क्या प्लानिंग क्या की आपने? कोई प्लान है कि मैं इस तरीके से इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, ऐसे करूंगी? नहीं, अब भी कुछ नहीं किया, तो सेकंड ईयर के बाद, इंटर के बाद। कोई जगह है, कौन से शहर में रहना है? पाकिस्तान में ही करना है, वहीं यहीं पे पढ़ना है, यहीं पे सीखना है सब कुछ? मैं कश्मीर से बात कर रही हूँ ना, तो मैं मुजफ्फराबाद में करूँगी। ओह जबरदस्त, और मुजफ्फराबाद में ऐसी जगह है जहाँ पे LLB आप अच्छे जगह से पढ़ सके? हाँ, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर है। अच्छा, जबरदस्त, चले हमारी तरफ से तो बहुत दुआएं, और जब आप पढ़ेंगी और इंशाल्लाह आपको वो डिग्री मिले, लॉयर्स की तो बड़ी जरूरत है यहाँ पे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। वेरी नाइस, तो हमें एक यहाँ पे एक टीचर भी मिल गई, एक डॉक्टर भी मिल गई, एक लॉयर भी मिल गई, सिंगर भी, तो जबरदस्त, जरूरी है, होना चाहिए। और जब अलग अलग चीजें लोग करेंगे तभी जाके आपका माशरा जो है वो कम्प्लीट बनता है, वो फुल होता है। हर किस्म के इंसान की जरूरत होती है हमें इस माशरे में। जी क्या कह रहे हैं सर? अच्छा मास्टर पे आ जाओ, ये कह रहे हैं, ठीक है मास्टर पे आ गई हूँ मैं, यहाँ पे मुझे आवाज़ से ठीक से आ नहीं रही है, लेकिन आपके गोल्स के, आपके ख्वाबों के हवाले से बात करना है। लॉयर भी बनना एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक वकील बनना, पाकिस्तान के लिए काम करना, लोगों को अपना हक मिले, लॉयर्स दिन रात एक कर देते हैं, मैं अपने शो पर भी बहुत सारे लॉयर्स को इंटरव्यू करती हूँ, और एक अच्छा फील्ड है, एक बहुत इज्जत वाला अच्छे लोगों का फील्ड है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं हर इंसान यहाँ पे इंसाफ मांग रहा है, तो अगर आप उनको इंसाफ देने के लिए तैयार हैं, और वो अगर वो शख्स बन जाते हैं बीच वाला जिसे कहते हैं, तो सवाब का भी काम है मेरे ख्याल से। तो लॉयर्स वे टू गो, बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ऑफकोर्स जो आप चाहें, जो आपका ख्वाब है, अल्टीमेटली कहानी है कि माँ बाप की ज़रूर सुने, मैं हरगिज़ नहीं कहती उनकी बात ना सुने, लेकिन अपने अंदर जो एक आवाज़ होती है ना, एक कीड़ा होता है हमारे सबके अंदर, पेट के अंदर, जब मैं कह रहा होता है ये करना है, ये करना है,
उसको जरूर सुने, क्योंकि जब इंसान अपने ख्वाबों को जीता है और अगर वो काम करता है जो एक्चुअल उसका ख्वाब हो, तभी वो उसमें कामयाब होता है. वरना ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स बन गए, उनको MBBS की यूनिवर्सिटी डिग्री भी ले ली, बड़ी उनको नींद आ रही होती है सारा वक्त. बैंकर्स भी हैं जो बैंकिंग 4 साल से कर रहे हैं, अब कह रहे हैं काश मैं सिंगर होता. तो यही फिर वो अच्छा तभी कर सकते हैं जब आपको मजा आए और जब आप अपने ख्वाबों के पीछे जो है पैशनेट हो. एक कॉल है हमारे पास, मेमूना की कॉल है. अस्सलाम वालेकुम जी. मैडम कैसी हैं? ठीक ठाक. क्या करना है जिंदगी का सबसे बड़ा गोल कौन क्या है? टीचर बनना है. और क्या सिखाना है? इंग्लिश, उर्दू, म्यूजिक, इस्लामियात? नहीं, कंप्यूटर टीचर. जबरदस्त. कंप्यूटर्स का बड़ा शौक है आपको? जी, कंप्यूटर ही पढ़ती हूँ ना, अभी मैट्रिक में ना. तो ठीक है, तो मुझे बताओ कंप्यूटर टीचर क्यों, कोई और टीचर क्यों नहीं? नहीं, बस कंप्यूटर टीचर ही. कंप्यूटर कंप्यूटर सिखाना है बच्चों को, कंप्यूटर सिखाना है. जी ठीक है. और अब मुझे बताओ कंप्यूटर टीचर बनने के लिए तो ट्रेनिंग कहाँ से लोगी? यहाँ पे ट्रेनिंग होती है कंप्यूटर टीचर बनने के लिए? यहाँ पे ट्रेनिंग तो नहीं होती, इस्लामाबाद में. इस्लामाबाद में होती है, तो इस्लामाबाद जाओगी और पढ़ोगी? जी. इस्लामाबाद फिर जाने का प्लान है? इस्लामाबाद जाने का जी है. इजाजत मिल जाएगी? जी बिल्कुल. ठीक है, जबरदस्त मेमूना. वेल, मैं तो आज सबको दुआएं दे रही हूँ कि हमारी जो लड़कियां हैं वो पढ़ें लिखें और आगे अपनी कौम को भी पढ़ाएं. और ये बहुत अच्छा है, ये तो अलग है, कंप्यूटर टीचर तो एक बहुत अमेजिंग सी चीज होगी. वेल डन, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. और एक और डिफरेंट सी हमें कॉल आ गई है. मजे की बात यह है कि जितने हमारे कॉलर्स इस वक्त हमें कॉल कर रहे हैं, हमें मजे मजे की चीजें बता रहे हैं और अलग अलग चीजें जो करना चाहते हैं. तो कंप्यूटर टीचर भी बिल्कुल एक प्लान है इनका, एक गोल है और जरूरी है, यकीनन होना चाहिए. इसी के साथ हमारे आज का जो शो है अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे खत्म ही हो रहा है. क्या कह रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ, वाइंड अप की तरफ ही जा रहे हैं. जी सर, जी सर, जी सर. टाइम हमारा यहाँ पे खत्म हो गया. आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन जिन लड़कियों ने हमें कॉल्स की और अपने ख्वाब शेयर किए. मेरी तरफ से एक ही एडवाइस हो सकता है कि जो भी आपका ख्वाब है, ये तमाम लड़कियों के ख्वाब जो है अच्छे ख्वाब है, बिल्कुल माँ बाप को भी सपोर्ट करना चाहिए, फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा आपने अपने ख्वाब को फॉलो करना है. फिर इंशाल्लाह नियत साफ, मंजिल आसान. सो ऑल द वेरी बेस्ट. अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और शो पे. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा एंड हैव अ वेरी गुड इवनिंग. गुड बाय एंड टेक केयर.